नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविरल और आप देख रहे हैं घूमो जी भर के। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको हिमाचल प्रदेश में एंट्री करने के नियम और नई एसओपी के बारे में बताया था। आज मैं आपके सामने फिर दोबारा से हिमाचल प्रदेश के बारे में, जो कि विश्व की सबसे फेमस पर्यटक नगरी है, उसके बारे में चर्चा करने आया हूँ। दोस्तों, कोरोना काल ने दूसरा पर्यटक सीजन भी हिमाचल प्रदेश का पूर्ण तरह से निकल लिया है। दोस्तों, हिमाचल का दूसरा पर्यटन सीजन भी कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ गया है। अभी अभी पर्यटक सीजन की शुरुआत ही हुई थी कि कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा होने से सरकार की ओर से लगाई गई बंदिशों के चलते होटलों की 90% से अधिक बुकिंग कैंसिल हो गई है। इसका सीधा असर होटल, टैक्सी, ऑटो, डेटिंग साइट्स, ट्रैकिंग गाइड्स आदि रेडी फटी वालों सभी छोटे बड़े कारोबारियों पे पड़ा है। होटल सहित अन्य पर्यटन कारोबार से जुड़े संस्थानों में भी काम करने वाले हजारों ही कर्मचारी नौकरी पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दोस्तों, होटल मालिकों ने कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन छुट्टी पर घर भेजना भी शुरू कर दिया है। पर्यटन कारोबार से जुड़े तमाम लोग तबाही के कगार पर पहुंचने लगे हैं। पिछले वर्ष भी पूरा साल कारोबार कोरोना की भेंट को चढ़ गया था। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आने के नए नियम क्या हैं। जी हां, सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदी कि होटल में अगर हिमाचल प्रदेश में कोई भी सैलानी आता है, और वो भी जहां पर कोरोना की स्थिति ज़्यादा बेकाबू है, उन राज्यों से आता है, तो उसको होटल के अंदर निगेटिव रिपोर्ट अपनी दिखानी कंपलसरी है। जी हां, होटल इंडस्ट्री को यह एसओपी जारी कर दी गई है कि होटल में चेक इन अब जब मिलेगा, जब टूरिस्ट के पास, जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं, सबके पास निगेटिव रिपोर्ट होनी अनिवार्य है। क्या दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि होटल एसोसिएशन के लिए, होटल कारोबारियों के लिए यह नियम जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना के कहर से देवभूमि हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार पर संकट के बादल घिर गए हैं। समर टूरिस्ट सीजन के लिए 90% एडवांस बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं, और बीते करीब 20 दिनों से नई एडवांस बुकिंग की कॉल्स तक भी नहीं आ रही हैं। देश में बेकाबू हो रहे कोरोना के हालात से शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी के पर्यटन कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। बीते साल भी लॉकडाउन के चलते पर्यटक कारोबारियों को टूरिस्ट सीजन के दौरान भारी नुकसान झेलना पड़ा था, और इस साल भी अच्छे कारोबार की उम्मीद थी, लेकिन होटल कारोबारियों ने स्टाफ भी वापस काम पर सारा बुला लिया था। लेकिन मौजूदा हालातों में यह सीजन भी कोरोना की भेंट चढ़ता दिख रहा है। शिमला और मनाली के अलावा धर्मशाला और डलहौजी के होटलों में भी समर सीजन के लिए एडवांस बुकिंग रद्द हो गई हैं, क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, राजस्थान से सैलानी हिमाचल आने के लिए एडवांस बुकिंग नहीं करवा रहे हैं। दोस्तों, फेडरेशन ऑफ हिमाचल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्वनी बाबा ने भी कहा है कि कोरोना के मामले बढ़ने के बाद पिछले 15 दिनों से हिमाचल के होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग पूर्णतः बंद हो गई है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के महासचिव मनु सूद ने भी कहा है कि देश में कोरोना के मामले बढ़ने से समर सीजन के लिए हुई कमरों की 90% फीसदी तक एडवांस बुकिंग कैंसिल हो गई है। दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल से आने वाले सैलानी फ्लाइट्स के सस्ते टिकटों के लिए 2 महीने पहले ही बुकिंग कराते थे, और यह हिमाचल प्रदेश का अप्रैल, मई, जून, जुलाई पीक सीजन कहलाता था, जिसमें कि होटल व्यापारी अपने पूरे साल का कारोबार दामोदार रखता था। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार द्वारा लगाई गई गाइडलाइन सही है या गलत, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं, क्योंकि आपका साथ ही हमें आगे ले जाया जा सकता है। दोस्तों, सरकार और प्रशासन की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश न मिलने से कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है। होटल कारोबारी ऋण के तले दब चुका है। पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के लिए न तो कोई ठोस नीति बनाई गई है और न ही इनकी ओर कोई ध्यान दे रहा है। दोस्तों, वैसे तो होटल एसोसिएशन होटल व्यापार
पूर्णतः से हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत करता है और पूर्णतः से खुला हुआ है। लेकिन अगर आपको होटल पे चेक इन करना है तो आपको कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं भी बॉर्डर्स पर नहीं रोका जाएगा, आपको बॉर्डर्स पर अपनी निगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखानी है, आपको केवल होटल के अंदर चेक इन करते समय ही यह रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य है। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और वो हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे शिमला में होटल है जो कि बेहद ही आपको सस्ते रेट पर लॉन्ग टाइम के लिए मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उसमें आपको मिनिमम 15 दिन से स्टार्ट अपना पीरियड करना होगा, यानी कि मिनिमम आपको 15 दिन का स्टे कंपलसरी होगा। दोस्तों, होटल में चेक इन करने से पहले आपको, अगर आप कोरोना के बढ़ते मामले वाले राज्यों से ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको निगेटिव रिपोर्ट दिखानी है और आप आराम से हमारे होटलों में घर जैसे माहौल में रह सकते हैं, और वो भी बहुत ही किफ़ायती दरों पर। दोस्तों, अगर आप शिमला मनाली के लिए बुकिंग करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके यहाँ की स्थिति के बारे में पूछ सकते हैं और रेट्स के वगैरह बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक और SOP आज जारी हुई है कि जो लोग बाहर से आने वाले हैं, यानी कि जो लोग हिमाचली हैं और हिमाचल से बाहर जॉब करते हैं और बाहर से आ रहे हैं, उनको यहाँ पर 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा। जी हाँ, दूसरे राज्यों से घर लौटने वाले हिमाचलियों पर यह नियम लागू होगा। हिमाचल के लोगों को प्रदेश में लौटने पर कोई भी पाबंदी नहीं है, परंतु उनको 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना ज़रूरी है। इसके 7 दिन के बाद वो अपने कारोबार पर या अपने कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं। यह SOP आज ही हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई है। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारे कॉल नंबर पर दिए गए कॉल्स करके जानकारी भी ले सकते हैं और होटल बुकिंग्स भी आदि करा सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों जल्दी अगली बड़ी खबरों के साथ, जो कि हिमाचल या अदर स्टेट की टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ी होगी। उसके लिए आपको करना होगा हमारा चैनल सब्सक्राइब, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज़ को अपडेट जानने के लिए आपके पास जिससे वीडियो आती रहे बेल बटन भी दबा लें।